Registration opens at SP Smart Schools for Class 11th admission at Exchange Road, Jammu and National Highway 1, Sarod. Visit school office at both campuses to fill registration forms between 9 a.m. to 5 p.m. SP Smart Schools, the leader in innovative schooling. कांग्रेस पार्टी के बयान पर मायावती भड़क गई हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहां की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े, अर्थात हमारा यहां बना गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने का भ्रम न फैलाएं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर बयान जारी कर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना करे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। TRS ने हैदराबाद सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये सीट ओवैसी के लिए छोड़ दी गई है। ओवैसी पिछले 3 बार से इसी सीट पर सांसद हैं। वो 2004, 2009 और 2014 से लगातार जीतते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के जोड़िया के LOC पर पलावाला सेक्टर में केरी, बटल और नथू डिब्बा में पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 8 जवान घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर अस्पताल ले जाया गया। वहीं भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। देश के पहले IITN मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि पर्रिकर सत्यनिष्ठा व समर्पण के प्रतीक थे। उनकी सेवाओं को देश की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पर्रिकर अद्वितीय नेता थे। रक्षा मंत्री के रूप में उनकी सेवाओं को पीढ़ियां याद करेगी। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में रविवार को पुलिस मेले की धूम रही। रियासत के तीनों खित्तों की कला, संस्कृति और भाषा को स्थानीय कलाकारों ने मंच पर उतारा। राज्य में तैयार होने वाली विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस मेले का विधिवत उद्घाटन राज्यपाल सतपाल मलिक ने किया। देश के पहले IITN मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 63 साल की उम्र में गोवा में उनके निजी आवास में निधन हो गया। वे पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले कई दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। पर्रिकर के निधन पर केंद्र सरकार ने 18 मार्च को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान देश की राजधानी के साथ राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव मिला है। बता दें, जम्मू कश्मीर में लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के लिए चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। उमर ने कहा, ये सच है कि हमें कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव मिला था, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि कश्मीर की तीनों सीटों पर केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। मोदी सरकार को लोकपाल नियुक्त करने में 5 साल लग गए, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस पद पर रिटायर्ड जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। लोकपाल नियुक्त कर मोदी सरकार ने विपक्ष से ऐन वक्त पर छीना बड़ा मुद्दा। UPA सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी धारणा के बीच लोगों ने PM उम्मीदवार के तौर पर मोदी को हाथों हाथ लिया था। इसी दौरान लोकपाल को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे और योग गुरु बाबा रामदेव के आंदोलन ने देश भर में UPA सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था। लोकपाल केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। CBI समेत किसी भी जांच एजेंसी को आरोपों की जांच करने का आदेश देने का अधिकार होगा। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और सभी तरह के कर्मचारी जांच के दायरे में आएंगे।
पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव इस कदर बढ़ गया था कि भारतीय नौसेना ने अपना विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बियां एवं अन्य युद्ध पोतों को किसी भी स्थिति का भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समुद्री मोर्चे पर तैनात कर दिया था। दरअसल समुद्र में नौसेना के युद्धक बेड़ों की तैनाती एक बड़े युद्धाभ्यास का हिस्सा थी, लेकिन 14 फरवरी को आतंकी हमले के बाद इसे तुरंत ऑपरेशनल मोड में लगा दिया था। नौसेना के सूत्रों के अनुसार नेवी के लगभग 60 युद्ध पोत, कोस्ट गार्ड के 12 जहाज और करीब 80 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल मोड में थे।